हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक इतनी तगड़ी ट्रिक बताने लगा हूँ ना, जो भी BA6 लेते हैं तो वही पहला जो जो उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि पटाखा बजेगा या नहीं बजेगा, तो उसके लिए मैंने सबसे तगड़ा इलाज ढूंढा है। ये देखो, ये वायर्स पहले कटिंग होती थी ना, तो अभी इसके लिए मैंने लाए हैं ये कपलर्स। और ये मतलब सीधा कोई वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें बार बार, जैसे स्विच की वायरिंग है, देखो ये स्विच की वायरिंग, ये दो कपलर्स और एक स्विच, मतलब वही तीन चीज़ें चाहिए। और थोड़ा यहाँ पे साफ कर लो इसको साइड से, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें स्विच नहीं लगाना होगा तो हम डायरेक्ट दो तारें इस साइड, और ये कपलर्स जो लेने हैं ना आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेने हैं ताकि एक दूसरे में लग सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें सीधा एक तो यहाँ पे लगा देना है जो डायरेक्ट रहेगा, अगर हमें स्विच नहीं लगाना है। और अगर हमें स्विच भी लगाना है तो आपको क्या करना है, जो पहले से डायरेक्ट समझ लो ये डायरेक्ट लगे हुए हैं, किसी नहीं मार रहा, समझ लो ये डायरेक्ट लगे हैं, इसको खोलना है। ये जो हमने कपलर स्विच के साथ लगाया होगा ना, इसे जोड़ देना है, बस इतना सा काम है। और इतनी तगड़ी मतलब हो जाएगी ना, आपको करके दिखाता हूँ, वैसे तो आपको क्या समझ लगेगा, थोड़ी सी वायरिंग करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ वायरिंग, ये जो पहले से कपलर आ रहा होता है और यहाँ पे है जो पहले वायरिंग थी, मतलब ये चीज़ें हमने पहले नहीं लगी होती ना, ये दोनों होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ से ली दो वायर्स, इसको एक कपलर में लगाया, ठीक है, ये कपलर हो गया ना, इसमें लगाया, यहाँ से दो वायर्स जा रही हैं इस कपलर में। देखो यहाँ से सीधा मतलब एक हमने कपलर बना दिया, ये दो वायर्स इसको लेके जा रही है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये वाला स्विच है ना, स्विच की वायर है, यहाँ से एक ट्रैक्टर चली जाएगी, एक भी कपलर लग जाएगा, एक स्विच में चली गई ना और एक कपलर में चली गई, तो इसको इस तरह करके, और जो इसका ये वाला होगा ना इसको हमको लगा देना है ऐसे। तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना ऐसे, और इसको इस तरह, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट ही था ना, तो अभी क्या हो गया, इसके हमने एक तार यहाँ पे लगा दी जो स्विच में चली गई, एक सीधी चली गई, और ये कपलर टू कपलर हो गया, ठीक है। इसको मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, जब आपका स्विच उतारने का मन करे तो फिर से मैं इसको इस तरह निकाला और इसको भी निकाला, वापस इसको जोड़ दिया, वो निकल गया, वापस कपलर टू कपलर। और आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मतलब 2 मिनट लगा करेंगे इसको कपड़े लगाने में, कपड़े निकालने में। तो इसको भी अच्छे से टेप वगैरह करता हूँ तो फिर दिखाता हूँ आपको।